खबर अलीगढ़ से। श्रवण कुमार बनने के लिए त्रेता युग नहीं चाहिए, मन में अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। अगाध श्रद्धा वाले बच्चे आज भी अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार के रूप में नज़र आते ही रहते हैं। ऐसे ही एक माता पिता के तीन बेटे श्रवण कुमार के रूप में नजर आए। बांस के दो किनारों पर रस्सी के सहारे खटोले बांधकर उसमें माता पिता को बिठाकर ये तीनों युवक उन्हें सासनी के विलेश्वर धाम मंदिर में भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करवाएंगे। ये नज़ारा आज अलीगढ़ के रामघाट रोड पर देखने को मिला। हाथरस जनपद के कस्बा सासनी के हरिनगर कॉलोनी निवासी करीब 75 वर्षीय नेत्रहीन बदन सिंह बघेल और उनकी पत्नी अनार देवी को उनके तीनों पुत्र रमेश, विपिन और योगेश रामघाट में गंगा स्नान कराने लाए। गंगा स्नान कराने के बाद रामघाट से कांधे पर कांवड़ और उसी में बंधे खटोलों पर माता पिता को बिठाकर तीनों बेटे कांधे पर उठाकर सासनी कस्बे के विलेश्वर धाम मंदिर के लिए लेकर चल पड़े। साथ में बदन सिंह की पुत्र वधुएं पूजा उर्मिला व रूबी बघेल भी थी। इनके साथ में बदन सिंह के नाती भी साथ हैं। रास्ते में जिसकी भी नज़र इन पर पड़ी वो तीनों युवकों की माता पिता को देखकर गदगद हो गया। जी आपका नाम? विपिन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? सासनी। सासनी के। तो आप ये जो कांवड़ लेके जा रहे हैं तो कौन कौन है ये आपके? माता पिता। माता पिता कब चले थे आप, स्टार्ट हुए थे? चार दिन हो गए। अच्छा अच्छा, तो किस तरीके से रुक रुक करके लेकर के जाते हैं, कैसे? 15 किलोमीटर चल के दूर रुक लेते हैं। अच्छा, तो कहाँ तक ले जाएंगे? सासनी तक इसी तरीके से। अच्छा, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हाँ, माँ बापों से। अच्छा, तो आपके साथ में और कौन कौन है इस समय? मेरे बड़े भाई हैं नमेश कुमार। हाँ। मेरे छोटे भाई हैं योगेश कुमार और तीनों की वाइफ हैं। अच्छा, साथ में सब। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या संदेश देना चाहेंगे और जो संतान होती हैं उनके लिए? मैं तो यही देना चाहता हूँ, इस तरीके से जैसे आज मैं कर रहा हूँ तो और भी मेरे को देखकर सारे लोग करें। अलीगढ़ से संदीप शर्मा की रिपोर्ट, जनकल्याण न्यूज़।